नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर और अभी बात कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। दोस्तों इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैं आपसे बात की है प्रीवियस वीडियोज में कि हम उसको डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स में और ब्लॉक्स के अंदर फर्दर इंस्ट्रक्शंस या डेटा होता है, तो क्या टोटल आइडिया है, क्या कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो तीन आइडियाज मैं आपसे बात कर रहा था हो सकते हैं कैश मैनेज मैनेजमेंट के, विच इज डायरेक्ट एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव, उसका फंडामेंटल बैकग्राउंड समझेंगे। एक मैपिंग क्यों सफिशिएंट नहीं है, क्यों अलग अलग मैपिंग हो सकती है, और केस टू केस डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट और योर एप्लीकेशन आप कौन सी मैपिंग चूज करेंगे ये डिफर कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। जैसा आप देख रहे हैं कि एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है, थोड़ा अजीबोगरीब डायग्राम है बिकॉज किसी बुक वगैरह में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को मेरी इंटेंशन ये रहती कि आसान से आसान लैंग्वेज में कैसे समझाया जाए, तो उसी के प्रयास में ये एक आइडिया है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है कि भाई ये मेन मेमोरी है ना, और मेन मेमोरी जैसा हमने समझा इट इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लेने की कोशिश की है। तो टोटल कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास, तो ब्लॉक नंबर 0 से आप देखेंगे ब्लॉक नंबर 15 तक हम जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल आइडिया है, 0 से 15 तक यानी कि हमारी जो मेन मेमोरी है उसमें ओवरऑल कितने ब्लॉक्स हैं, 16 ब्लॉक्स हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे तो हर ब्लॉक के अंदर W0, W1, W2, W3 यानी कि चार वर्ड आपको नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स ब्लॉक के अंदर भी कोई डेटा होगा। तो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे लोकेशन की, तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है, कोई मेटा डेटा क्या डेटा अपने को मतलब नहीं है, बट हम मान रहे हैं कि जो टोटल डेटा है वो वर्ड्स में डिवाइडेड है और हर वर्ड बाय डिफॉल्ट फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कितना है, 1 बाइट है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल इसका मतलब हर ब्लॉक जो है वो सिर्फ 4 4 बाइट्स के ब्लॉक है और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक जो हो गए वो हमारे पास हो गए 16 है ना। तो अब अगर टोटल वर्ड्स की मैं बात करूं तो टोटल कितने वर्ड है, 0 से लेके 63 तक टोटल 64 वर्ड्स हैं। मेमोरी डिवाइडेड है ब्लॉक्स में और हर ब्लॉक के अंदर चार चार वर्ड आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ब्लॉक का साइज क्या है, तो 1 ब्लॉक आई थिंक ब्लॉक का साइज सिंपली हो गया 4 बाइट्स बिकॉज उसके अंदर चार वर्ड हैं। या टोटल मेन मेमोरी का साइज कितना है, तो मेन मेमोरी का साइज आई थिंक यहाँ पर हो गया 64 बाइट्स बिकॉज ओवरऑल 64 वर्ड्स हैं। बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। राइट हैंड साइड पे ये ज्यादा रिलेटेबल है, ऑल्दो थोड़ा सा साइज बहुत छोटा है, बट अगेन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 64 रोज हैं टोटल यानी कि वर्ड नंबर 0 से और देखिए नीचे तक आते आते मैं आया हूँ वर्ड नंबर 63 तक। बिकॉज ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑर्गेनाइजेशन ये समझने के लिए अच्छा है, बट एक्चुअली तो जो इंस्ट्रक्शन है, जो मेमोरी हमारी सीक्वेंशियल है, तो 0 से लेके 63 तक वर्ड्स हमारे पास हैं और हर चार चार वर्ड को पकड़ के हम एक ब्लॉक मान रहे हैं। तो फर्स्ट 4 वर्ड इज अ ब्लॉक, देन सेकेंड 4 वर्ड इज ऑल्सो ब्लॉक, और सिमिलरली 0 से लेके 15 तक ओवरऑल 16 ब्लॉक हमारे पास है। तो बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए समझने की बात क्या है, एक बात मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं, ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात की है ब्लॉक्स में क्यों डिवाइड किया है। बिकॉज जब सीपीयू पूछता है कि मेरे को क्या चाहिए, सीपीयू तो बोलेगा मेरे को इंस्ट्रक्शन चाहिए या यहां पर बोलेगा वर्ड चाहिए। तो अगर सीपीयू बोल रहा है वर्ड नंबर 27 चाहिए, तो अब यहां पर आप देखना ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वर्ड नंबर 27 जो है वो ब्लॉक नंबर 6 में है, और यहां पर भी इधर अगर बहुत छोटा सा है अगर आपको नजर आ रहा हो वर्ड नंबर 27 ब्लॉक नंबर 6 में है। तो ये ब्लॉक में ऑर्गेनाइज करने का फायदा क्या है, अगेन याद करिएगा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो अगर ये डेटा कैश में मेन मेमोरी में नहीं है, मान लीजिए कैश में नहीं है, तो मेन मेमोरी से मैं सिर्फ वर्ड नंबर 27 नहीं लेके जाऊंगा बिकॉज मेरे को पता है कि अभी ये 27 मांग रहा है, मे भी अगली बार ये 28 मांगेगा, इस बात की बहुत ज्यादा प्रॉबिलिटी है। तो क्यों ना मैं सिर्फ 27 के बजाय पूरा का पूरा ब्लॉक यानी कि ये 4 वर्ड्स में ट्रांसफर करूंगा, किसमें, कैश के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये आइडिया क्लियर है कि पहले तो हम एक्चुअली तो यहाँ पर वर्ड ही स्टोर कर रहे हैं, इसके अंदर क्या डेटा है अपने को फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है, इसका साइज क्या है लॉन्ग टर्म में इससे भी मतलब नहीं होता, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान होता है। बट फिलहाल डिफॉल्ट केस में जब तक मैं आपसे अलग से बोलूंगा नहीं, हम मान के चलेंगे कि हर वर्ड का साइज 1 बाइट होगा और हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन आसान करने की वजह से इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं और टोटल हमारे पास 0 से लेके 16 15 तक यानी कि 16 ब्लॉक हमारे पास है। तो ये दोनों मेन मेमोरी का ही व्यू है। अब इस बात को समझना है कि जब हम मैपिंग की बात करेंगे तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर अब देखिए
लेफ्ट हैंड साइड पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कैश का, तो ये अगेन आप जानते हैं 0 से लेकर 16 तक हमारे पास ब्लॉक्स हो गए और कैश है। जैसा आप जानते हैं कि मेन मेमोरी को हम जब डिवाइड करते हैं तो बोलते हैं ब्लॉक, और कैश को डिवाइड करते हैं तो बोलते हैं कैश लाइन। प्रीवियस वीडियोज में मैंने इसके बारे में बात की है। तो आप गौर करेंगे तो ओवरऑल सी 0 से कैश लाइन 0 से कैश लाइन 3 तक, यानी कि सिर्फ 4 कैश लाइन हमारे पास है। तो पहले तो ये समझना है कि जो मेमोरी है मेन मेमोरी, उसके अंदर 16 ब्लॉक्स थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 कैश लाइन है। साइज दोनों का सेम है, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 कैश लाइन। इसका मतलब जो कैश लाइन है या जो टोटल कैश हमारी है वो 4 गुना छोटी है, क्योंकि यहाँ पर 16 है यहाँ पर 4 है, 4 गुना छोटा है। तो ये प्रैक्टिकल अब एक प्रॉब्लम है क्या क्या 0 से 15 तक टोटल 16 के 16 ब्लॉक अगर मैं चाहूं भी तो कैश में ला सकता हूं, नहीं ला सकता। तो कुछ ही सिलेक्टेड ब्लॉक जो है वो कैश में आ सकते हैं, ये पहला पॉइंट। और अगेन मैं क्लियर कर दूं, हम तो जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी में बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, रियलिटी में कंडीशन और भी वर्स होती है। तो कैश बहुत छोटा होता है रिलेटिव टू मेन मेमोरी, तो शायद ही कोई ब्लॉक ऐसा होगा जिसको हम एक टाइम पे यहाँ पर रख पाते हैं। कुछ ही खुशकिस्मत ब्लॉक में ऐसा बोल सकता हूँ, ये जो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं वो कैश में होते हैं। अब सवाल है कि फैसला कैसे किया जाए कि किस ब्लॉक को कहाँ रखना है या क्या रूल है। तो मैं दो तीन सिंपल आइडिया डिस्कस करता हूँ। एक लॉजिक तो ये हो सकता है, मान लीजिए किसी ने बोला सर ब्लॉक नंबर 3 चाहिए, तो हम जाके सर्च करते हैं कैश में, क्या कैश में कोई भी लाइन खाली है। अब इमेजिन करिए कि हमको लाइन नंबर 1 खाली मिली, हमने उठा के इस ब्लॉक नंबर 3 को इधर रख दिया। 10 मिनट के बाद किसी ने बोला लाइन नंबर या ब्लॉक नंबर 8 चाहिए, हमने फिर ढूंढा और मान लीजिए उस बार सर्च करने पे अपने को कैश लाइन नंबर 0 खाली मिली, वहां पर हमने उठा के ब्लॉक नंबर 8 रख दिया, यहाँ पर हमने ब्लॉक नंबर 3 रखा था। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि सारे कैश लाइन ओपन है, एज पर रिक्वायरमेंट जहां पर लोकेशन में अपनी जगह मिलेगी उधर हम रखेंगे। एक और आइडिया हो सकता है कुछ समय के बाद ये सारे कैश लाइन ऑक्यूपाइड हो जाएं, जो कि ज्यादातर केस में होगा। तो अब एक और प्रॉब्लम है जिसकी बात हम बाद में करेंगे, रिप्लेसमेंट। यानी कि अब मान लीजिए अगर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर मान लीजिए 11 है, और कोई बोलता है मेरे को 5 चाहिए, तो इन सब में से बाहर कौन जाएगा, किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी की बात बाद में करेंगे, बट अभी मैं एक आइडिया जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये कि ये कैसे डिसाइड करेंगे ब्लॉक्स को हम एलोकेट कैसे करेंगे। तो ये जो भी मैं आइडिया आपसे डिस्कस कर रहा था, यहाँ पर आप कहीं भी रख पा रहे हैं, तो लिबर्टी तो आपके पास अच्छी है ना, क्योंकि आप पूरी कैश को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं अच्छे से। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, जब रन टाइम पे आप सर्च करेंगे। अब देखो कैश की पूरी ब्यूटी यार क्या है, कैश जितनी जल्दी सर्च कर सके वो उसकी क्वालिटी है। अगर कैश भी स्लो होगी तो फिर फायदा क्या हुआ। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यार मेरे को बताओगे जरा 2 मिनट की ब्लॉक नंबर 10 है कि नहीं, तब आप मेरे को बताओ ब्लॉक नंबर 10 कहाँ है, अपने को नहीं पता। यू हैव टू सर्च द एंटायर कैश, बिकॉज जितनी भी कैश लाइन है कहीं पर भी वो ब्लॉक हो सकता है। यस और नो? अच्छा मैं दोबारा याद दिला दूं, ब्लॉक और कैश लाइन का जो साइज है वो सेम है, इस वजह से ही मैं प्रॉपरली लोकेट कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं हो रहा। अब मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ कि अगर मैं लिबर्टी यूज करूंगा ब्लॉक नंबर को कहीं पर भी रखने की, तो फिर रन टाइम पे सर्च करना भी तो यार मुश्किल होगा, बिकॉज फिर मेरे को पूरे के पूरे कैश में सर्च करना पड़ेगा। तो एक और फिलॉसफी हो सकती है, वो फिलॉसफी क्या हो सकती है कि नहीं यार ऐसा आप रैंडमली एलोकेट नहीं कर सकते, इन सब का रिजर्वेशन कर दो एक तरीके से। पहले से डिसाइडेड होगा क्या, ये नहीं डिसाइड होगा कौन जाएगा कि नहीं जाएगा, बट जाएगा तो कहाँ जाएगा। अब मान लीजिए अगर मैं फिक्स कर दूं कि ब्लॉक नंबर 0 जो है वो जनाब अगर जाएगा तो कैश लाइन 0 में जाएगा वरना नहीं जाएगा, ये फिक्स कर दिया। हालांकि इसके कुछ नुकसान मुझे होंगे, वो क्या होंगे वो बाद में समझेंगे, कि हो सकता है अगर कैश लाइन नंबर 0 ऑक्यूपाइड है तो मुझे यहाँ स्पेस ना मिले, और बाकी अगर लाइन खाली भी है तो भी मैं उन्हें इस्तेमाल ना कर पाऊं। बट अगर मैं ऐसा करता हूं तो मे भी शायद कुछ फायदा हो। फायदा क्या हो, अगर आप फिक्स कर रहे हैं कि भैया ब्लॉक नंबर 0 जो है वो अगर होगा तो लाइन नंबर 0 पे होगा, तो जब आप सर्च करने आएंगे तो क्या होगा, फिर क्या आपको लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 3 सब सर्च करने की जरूरत है? जी नहीं। उस केस में आप डायरेक्ट आएंगे लाइन नंबर 0 पे, देखेंगे अगर ब्लॉक नंबर यहाँ हुआ तो दैट इज ओके, नहीं हुआ तो इसका मतलब कैश मिस हो गया, है ना। तो अलग अलग तरह के आइडियाज हो सकते हैं। अच्छा मैं बहुत इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा, बिकॉज अगेन सेपरेटली अपने को स्टडी करना है इन सब चीजें, जो चीजें हैं उससे कॉस्ट भी डिपेंड होती है, बिकॉज आप कितना भी कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, मैथमेटिक्स लगा सकते हो, पर भाई उसके लिए फिर सर्किटरी भी लगानी पड़ेगी, तो उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होगी, हमें कॉस्टिंग भी कम रखना है ना। तो एक इस वीडियो के अंदर एक बेसिक लॉजिक मैंने क्लियर करने की कोशिश की। पहले तो आपको समझाया
कि मेन मेमोरी का हम क्या एग्जांपल लेके चल रहे हैं और आने वाले केस तक हम वही कंसीडर करेंगे, ब्लॉक्स कितना है, मेन मेमोरी कितना है। और इधर मैंने आपको बताया कि लिबर्टीज हो सकती हैं, आप चाहे तो पूरा कैश इस्तेमाल करें किसी भी ब्लॉक को रखने के लिए, लेकिन बाद में आपको ही सर्च करने में थोड़ी तकलीफ होगी, या हो सकता है कि आप पहले से हर ब्लॉक के लिए कुछ कैश लाइन रिजर्व कर दें कि अगर आप आएंगे तो इसी कैश लाइन में आएंगे वरना नहीं आएंगे। उस केस में आपको थोड़ी लिमिटेड तो आप हो जाएंगे बिकॉज आप पूरा कैश इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बट हाँ सर्च करना रिलेटिवली कैश को आसान होगा। तब डायरेक्ट एसोसिएटिव सेट, एसोसिएटिव सेट इन्हीं अलग अलग प्रिंसिपल्स का नाम है जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब अगली वीडियो के अंदर डायरेक्टली कि डायरेक्ट मैपिंग का क्या फिलोसफी है, कैसे हम डिसीजन लेते हैं, अलोकेशन का, अरेंजमेंट का, वो सब आइडिया मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।